लेकिन पार्टी अपने तरीके से टिकटें तय करती है, एक अपने फीडबैक मॉडल पे तय करती है। विधायक वो टिकटें इस बार कटना कुछ लग रही है। देखते हैं क्या होता है, समय के साथ पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी बहुत बड़ा आधार रहेंगे। कर्नाटक फॉर्मूला जो है कुछ माना जा रहा है, क्या यहाँ भी आप लोगों ने इंटरनल कुछ ऐसे पर्यवेक्षक लगाए हैं जो बाहर के स्टेट के हैं, तो यहाँ पर आकर आपको रिपोर्ट देंगे? पर्यवेक्षक जो है लगेंगे, ऑब्जर्वर्स, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो है ऑब्जर्वर्स को लगाया जाए, ताकि हम उनसे और उनके जरिए भी एक फीडबैक ले सके। क्या ओबीसी का कार्ड खेलने जा रही सरकार, तो रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग कर रही है, क्या उस पर देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सर्व जाति की पार्टी है, हमारे लिए सभी जातियों को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास रहेगा और सभी जातियों को सही रिप्रेजेंटेशन मिले, हमेशा इसका प्रयास रहेगा। आपने दौरे किए, 29 मई की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसके बाद में एक और रिपोर्टों में कोई अलग रुझान रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बल्कि उस मीटिंग के बाद मेरे जो ज़िले हैं, मैं ईस्टर्न राजस्थान की बात कर रही हूँ, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वर्ग जो है चाहता है कि हमारे सब नेता मिलकर काम करें, उस पूरे इलाके के अंदर लोग बहुत संतुष्ट हैं, कार्यकर्ता के अंदर एक कहते हैं कि एक इकट्ठा होकर काम करने की चाह है। तो वो जो आपने तस्वीर देखी दिल्ली के अंदर, उसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव जो है इन जिलों पे पड़ा है, और अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर काम करने की संकल्प लेते हैं, और वो संकल्प नीचे तक कार्यकर्ता तक पहुंचा है। ये मुझे इस दौरे में जो एक बहुत बड़ा चेंज दिखा है वो दिखा। क्या सुलह का फॉर्मूला बेमानी है, कोई उम्मीद नहीं उसके आभार आने इसलिए ये तो आपको रंधावा जी ने जवाब दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की हर इंटरनल फॉर्मूला हमें मीडिया से शेयर करना है, जब कोई चीज़ सामने आएगी तो निश्चित रूप से पब्लिक